नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। एक तरफ पूरी दुनिया कोविड-19 से परेशान और पूरी दुनिया को कुछ सूझ ही नहीं रहा है, इसी बीच एक और बड़ी आफत पृथ्वी से टकराने आ रही। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इसके बारे में करीब 1.5 महीने पहले खुलासा किया था कि धरती की तरफ एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड तेजी से आ रहा है। बताया जाता है कि एस्टेरॉयड धरती के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट से भी कई गुना बड़ा है। इस उल्कापिंड की रफ्तार 31,319 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी करीब 8.72 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इतनी गति से ये अगर धरती के किसी हिस्से में टकराएगा तो बहुत बड़ी सुनामी ला सकता है या फिर कई देश बर्बाद कर सकता है। लेकिन राहत की बात यह है कि नासा का कहना है कि इस एस्टेरॉयड से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह धरती से करीब 62.90 लाख किलोमीटर दूर से गुजरेगा। खगोल वैज्ञानिकों की माने तो ये दूरी बहुत ज्यादा नहीं मानी जाती, लेकिन कम भी नहीं है। वही कुछ खगोल वैज्ञानिकों ने इसके धरती से टकराने की भी आशंका जताई। नासा के वैज्ञानिकों ने इस एस्टेरॉयड को 1998 OR2 नाम दिया है। इस एस्टेरॉयड को नासा ने सबसे पहले 1998 में खोजा था। इसका व्यास करीब 4 किलोमीटर का है। यह एस्टेरॉयड 29 अप्रैल की दोपहर 3:26 के करीब धरती के पास से गुजरेगा। धरती से इसकी दूरी करीब 62.90 लाख किलोमीटर होगी। नासा का मानना है कि उल्कापिंड सूरज का एक चक्कर लगाने में 1,340 दिन यानी कि 3.7 साल लेता है। इसके बाद एस्टेरॉयड 1998 OR2 का धरती की तरफ अगला चक्कर 18 मई 2031 के आसपास हो सकता है। तब ये 1.90 करोड़ किलोमीटर की दूरी से आएगा। खगोलविदों के मुताबिक ऐसे एस्टेरॉयड का हर 100 साल में धरती से टकराने की 50,000 संभावनाएं होती हैं। लेकिन किसी न किसी तरीके से ये पृथ्वी के किनारे से निकल जाते हैं। यहाँ पर एक दिलचस्प बात बता दें कि एक 20 मीटर लंबा उल्कापिंड वायुमंडल में टकराया था, जिसका आकार 40 मीटर लंबा था और जो 1908 में साइबेरिया के वायुमंडल में टकराकर जल गया था। तो आप समझ सकते हैं कि आज आसमान में क्या होने वाला है।